नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस एड 1.2। तो जो आपका प्रैक्टिस एड 1.2 है वो बेस्ड है इन चार थियरम्स के ऊपर, यानी कि इन थियरम्स के आपको रिजल्ट पता होने चाहिए कि इस थियरम में क्या होता है, फिर इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है। अगर आपको ये चार चीज़ें आती है तो आप प्रैक्टिस एड 1.2 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो थियरम्स मैंने यहाँ पर लिख करके रखे हुए हैं ना, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों को इन थियरम को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में नहीं समझाने वाली, मैं आपको बस इसके रिजल्ट्स बताऊँगी कि इसका रिजल्ट क्या होता है। और पूरा थियरम मैं आप लोगों को एक दूसरे वीडियो में बताऊँगी जिसमें आपको ये चारों थियरम्स मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि गिवन में क्या होता है, फिर कोई कंस्ट्रक्शन करना होता है तो वो आप लोग कैसे करोगे, उसके बाद उसका प्रूफ क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को उस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अभी बस आप लोगों को रिजल्ट देखना है कि इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है और इसका क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या होता है। जैसे ये आपका एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे ना, किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। अब देखो, लाइन तो हम पैरेलल इस तरीके से भी खींच सकते हैं और इस तरीके से भी खींच सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे लाइन नहीं खींचना है, ऐसे लाइन नहीं खींचना है। कैसे खींचना है समझिए, आप लाइन बी सी के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो वो लाइन ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट करके जानी चाहिए, जैसे इस तरह से आपको लाइन खींचना है, कैसे, ऐसे, ठीक है। तो ये लाइन क्या कर रही है समझिए, लाइन एल है जो क्या कर रही है, इस ट्राइंगल में ये जो साइड ए बी और ए सी है ना, इनको इंटरसेक्ट कर रही है दो अलग अलग पॉइंट्स पे, ठीक है, डी और ई पे। तो इसमें क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में, यहाँ पर देखो ये जो लाइन L है यानी कि DE पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या होता है, AE अपॉन EC, क्या होता है एकदम ध्यान से देखो, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या होगा, AE अपॉन EC, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है, क्या बोला मैंने, देखो एक ट्रायंगल में, ठीक है, कोई लाइन है जो ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के क्या है, पैरेलल है, लेकिन वो जो आपकी लाइन रहेगी ना वो उस ट्रायंगल के जो दोनों साइड्स हैं, ठीक है, उनको इंटरसेक्ट करनी चाहिए, जैसे यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या होता है, ये रिजल्ट होता है कि ए डी अपॉन डी बी, यानी कि इतना पार्ट अपॉन इतना पार्ट इज इक्वल टू क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है कि लाइन इसी साइड के पैरेलल हो, कभी कभी लाइन इस साइड के भी पैरेलल हो सकती है, समझिए इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है, समझिए लाइन एम, इसका नाम एम है, तो ये लाइन एम किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है, राइट। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा समझिए, ये पॉइंट पी है और क्यू है, तो इसको भी आप एक बार समझ लीजिए। देखिए आप इसको ना इस तरीके से घुमा करके देख सकते हो, देखो ये लाइन पैरेलल है एसी के, ठीक है, तो यहाँ पे बीपी अपॉन पीए इज इक्वल टू क्या होगा, बीक्यू अपॉन क्यूसी, समझ में आ रहा है क्या होगा, एक बार फिर से देखो, बीपी बीपी अपॉन पीए इज इक्वल टू क्या होगा, बीक्यू अपॉन क्यूसी, बीक्यू अपॉन क्यूसी, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना वो इस साइड के भी पैरेलल हो सकती है, समझिए इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही होगा, क्या होगा समझिए, यहाँ पे पॉइंट एस है, यहाँ पे टी है, ये लाइन पैरेलल है इस साइड के, तो यहाँ पे क्या होगा कि सी एस अपॉन एस बी इज इक्वल टू, सी एस अपॉन एस बी इज इक्वल टू सी टी अपॉन टी ए, समझ में आया, तो इस तरह से होता है, ओके। तो ये क्या है आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। तो बस आपको एक ही याद रखना है, तीनों एक साथ नहीं दिए रहेंगे, कोई एक ही लाइन पैरेलल रहेगा, ओके। तो अभी ये तो यहाँ पे फर्स्ट वन कंप्लीट हो गया, बस आप इतना ध्यान में रखो, जब इसका यूज आएगा तो आप अपने आप ही समझ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड देखना, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये इसका, ये जो है ना ये इसका उल्टा है, ठीक है। इसमें क्या था कि एक लाइन पैरेलल है,
ठीक है, कोई लाइन पैरेलल है तो वहां पे AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ऐसे करके हम लोग क्या बोलते थे कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि इसका प्रोपोर्शन और इसका प्रोपोर्शन दोनों क्या है, इक्वल है। लेकिन अभी इसमें क्या होगा कि समझिए, एक ट्रायंगल है इस तरीके से, ये ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR और ये एक लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है दो अलग अलग पॉइंट पे, S और T पे। लेकिन यहाँ पे हमको ये नहीं पता, क्या नहीं पता कि ये जो लाइन है ना ये इस साइड के पैरेलल है, हम नहीं जानते हैं कि लाइन L इसके पैरेलल है, QR के पैरेलल है। ये हमको प्रूफ करना है कि क्या ये इसके पैरेलल है, हमको हमसे पूछा जाएगा कि क्या ये पैरेलल है। तो ध्यान से देखो, ये जो लाइन है ना, लाइन L QR के पैरेलल कब होगा, जब PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR होगा। देखो, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, अगर हम ऐसा ला देते हैं, ठीक है, कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि लाइन L इज पैरेलल टू साइड QR। समझ में आया आप लोगों को कन्वर्स में क्या होता है? देखो, आप लोगों से पूछा जाएगा कि क्या ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन मतलब ये दोनों पैरेलल कब होंगी, जब यहाँ पर PS अपॉन SQ और PT इज इक्वल टू PT अपॉन TR होगा, तब। समझ में आया? तो ये होता है कन्वर्स, इसका भी यूज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो ये सेकेंड थियरम हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे अगला क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अभी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है एंगल बाइसेक्टर की, तो देखिए यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है, ठीक, ए बी सी। अब कोई एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर आपको पता है, एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, उस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मैंने यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से खींच दिया, ठीक है, जो यहाँ पे पॉइंट डी है, और इस एंगल बाइसेक्टर ने क्या किया, इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ना ए बी, देखो मैं कैसे नाम लिख रही हूँ वो देखना, ए बी अपॉन बी सी, क्या लिखा मैंने, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, देखो पहले ए बी लिखा है ना, तो अभी यहां से लेना, ऐसा नहीं कि आप यहां से ले लोगे, ऐसे नहीं, गलती करोगे तो फिर आपका आंसर भी गलत आएगा, ठीक है। देखो कैसे लिया मैंने, ए बी अपॉन बी सी, तो यहां पे आपको क्या लेना है, अभी ए को चिपक के ये है ना, तो इसको लेना ए डी, ए डी अपॉन डी सी। समझ में आया, ऐसे लेना है। अगर आप ऐसे नाम लिखते हो, समझिए आप ऐसे लिख रहे हैं, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है, आपने क्या किया, पहले BC को लिख दिया, यहाँ पर मैंने देखो पहले AB को लिखा था, बाद में BC को लिखा, तो यहाँ पे मैंने इसको कैसे लिखा, पहले AD और फिर बाद में DC को लिखा। और अगर आप समझिए कि पहले BC लिख रहे हो फिर उसके अपॉन में AB लिख रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, तो इसके इसके इधर मतलब इसको चिपक करके कौन सा साइड है, ये वाला ना, तो इसको लेना DC अपॉन फिर बाद में AD। समझ में आया? तो या तो आप ये ले सकते हो या तो ये, अगर आप इस तरीके से ले रहे हो तो आपको ऐसे लेना पड़ेगा, अगर आप पहले इसको लिख रहे हो बाद में इसको लिख रहे हो तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक ही आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि दोनों आप लोगों को लिखना है, कोई एक ही। समझ में आया? तो ये होता है आपका एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर है तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि पहली वाली साइड अपॉन दूसरी वाली साइड इज इक्वल टू क्या होगा, दिस अपॉन दिस, ओके। और मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है ना वो किसी भी एंगल का हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, तो तीनों ही कंडीशन में सेम यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ वन देखो, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, यानी कि आपके पास थ्री पैरेलल लाइंस है और उसके ट्रांसवर्सल्स हैं। देखो मैं आप लोग को बताती हूँ, इस तरीके से तीन पैरेलल लाइंस हैं, ओके, तीन पैरेलल लाइंस हैं और इनके ट्रांसवर्सल्स हैं, तो दो ट्रांसवर्सल इस तरीके से है, एक ये और दूसरा ये, और यहाँ पर पॉइंट है ए बी सी, यहाँ पे है डी ई और एफ,
ठीक है। तो अभी इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बनता है, देखो ए बी अपॉन बी सी, ये सब आपको प्रूफ कहाँ पर मिलेगा, जब हम लोग, मैं आप लोगों के लिए जब दूसरा वीडियो बनाऊंगी ना, तो उसमें पूरा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, ठीक है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को उसमें बताऊंगी, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में पूरा डिटेल में दिया है, आप एक बार उसको देखो। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, देखो ए बी अपॉन बी सी, यहाँ पर लिखेंगे ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी अपॉन ई एफ, डी ई अपॉन ई एफ, ठीक है। तो ये होता है इसका रिजल्ट, क्या लिखा मैंने, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, डी अपॉन ई एफ, या फिर चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई बी अपॉन बी ए और एफ ई अपॉन ई डी। अगर आप नीचे से ले रहे हो ना, तो दोनों तरफ आपको नीचे से ही लेना पड़ेगा, अगर आप ऊपर से ले रहे हो तो दोनों तरफ आपको ऊपर से ही लेना पड़ेगा। समझ में आया, चलो मैं आप लोग को एक बार लिख करके बता देती हूँ, समझिए आप, सी बी अपॉन बी ए ले रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, एफ ई अपॉन ई डी, ठीक है, इस तरीके से लेना पड़ेगा। वैसे यही वाला ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, इसमें आपको उल्टा सीधा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऊपर से लोगे बस आपका काम हो जाएगा। चलो मैं इसको मिटा देती हूँ। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ है जिन्हें आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टीज़ तो मैंने पूरा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया है, लेकिन इनके आप रिजल्ट्स ध्यान में रखो, इसको 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 और इसको, ठीक है। अब चलिए हम लोग प्रैक्टिस एट 1.2 को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। देखो यहाँ पे ना तीन फिगर्स दिए गए हैं, राइट। अभी इसमें आप लोग को क्या बताना है कि ये जो रे पी एम है ये क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है। जैसे इस फिगर में अगर आप देखोगे तो रे पी एम है, ठीक है, आपको बताना है कि रे पी एम इस एंगल का बाइसेक्टर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो देखो ये जो पी एम है ये इस एंगल का बाइसेक्टर कब होगा, जब पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्या आए, क्यू एम अपॉन एम आर आ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रे पी एम है ये इस एंगल का बाइसेक्टर है। ये हम किस थ्योरम से बोलेंगे, तो बाई कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैंने आप लोग को बताया था, जो उसका कन्वर्स होता है, उस थ्योरम से हम लोग बोलेंगे कि ये क्या होगा, मतलब ये जो रे होगा ये इस एंगल का बाइसेक्टर होगा, ठीक है। तो चलिए अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो मैं सॉल्व करके आप लोग को बताती हूँ, आप समझ जाओगे। तीनों में आप लोगों को ना ऐसे ही करना है। तो देखो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पी क्यू, ठीक है, यहाँ पे पी एम नहीं पी क्यू आएगा, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू, तो पी क्यू का लेंथ कितना है 7, पी आर कितना है 3, इसको आप लिख देना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया गया था, उसके बाद यहाँ पे लिखो क्यू एम अपॉन एम आर, तो क्यू एम कितना है 3.5, एम आर कितना है 1.5। अब क्या करें, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट को हटाने की कोशिश करते हैं, तो पॉइंट कब हटेगा, हमको दोनों में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 10, इसमें भी मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे 35 अपॉन 15, राइट। अब देखो यहाँ पे 5 से कैंसिल करते हैं, 5 7 से 35, 5 3 से 15, यानी कि क्यू एम अपॉन एम आर हमको क्या मिला 7/3, इसको आप लिखना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्या आया है, क्यू एम अपॉन एम आर, है ना। देखो यहाँ पे 7/3, यहाँ पे भी 7/3, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से हमको क्या समझ में आया कि पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्या है, क्यू एम अपॉन एम आर, क्योंकि दोनों भी क्या है 7/3 ही है, राइट। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पर ये जो रे पी एम है ये क्या होगा, इस एंगल का
बाइसेक्टर होगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग कि बाय कन्वर्स ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, यहां पे मैंने कन्वर्स क्यों लिखा, क्योंकि देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या बोला जाता था कि ये जो मैंने आप लोग को अभी 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 पीछे बताया था कि ये जो रे है ये क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि ये इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो जब ये इसका रे है तो यहाँ पर दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू क्या होता था, दिस अपॉन दिस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये था आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी थी, राइट। अब इसका कन्वर्स क्या होगा, तो अगर दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, मतलब दोनों इक्वल होते हैं, तो ये जो आपका रे रहेगा ये क्या होगा, इसका मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर होगा। ठीक है, कन्वर्स यानी क्या होता है, उल्टा, जो एंगल बाइसेक्टर था ना उसका उल्टा ये है। तो बाय कन्वर्स ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा कि रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। समझ में आया? तो यहां पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना वो कंप्लीट हुआ। अब यहां पे सेकेंड फिगर देखो, ये आपका ट्रायंगल दिया गया है और इसमें रे पी एम है और यहाँ पे लेंथ दिए गए हैं कि आर एम कितना है, एम क्यू कितना है, फिर पी क्यू और पी आर कितने हैं। तो चलिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपने इसमें किया था वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो पहले मैं लिखूंगी पी क्यू अपॉन, देखो पी क्यू अपॉन पी आर, तो पी क्यू कितना है, 10 है, 10 अपॉन 7 लिख दिया मैंने। इसको आप लिखना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, पहले मैंने पी क्यू लिखा था ना, तो अभी मैं क्यू एम अपॉन एम आर लिखूंगी। समझ में आ रहा है? देखो आप गलती मत करना, गलती मत करना। अगर आपने ऐसे लिया है पी आर अपॉन पी क्यू, तो आपको यहाँ पे कैसे लिखना पड़ेगा, आर एम अपॉन एम क्यू, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पी क्यू अपॉन पी आर, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्यू एम अपॉन एम आर। ठीक है, तो क्यू एम कितना है, 8 है, और यहाँ पे एम आर कितना है, 6 है। इसको कैंसिल करो, 2 4 8 2 3 6 है ना, 2 से इन दोनों को कैंसिल करोगे तो 4 यहाँ पे 3 आएगा, 4 अपॉन 3। क्यू एम अपॉन एम आर क्या आया, 4 अपॉन 3। तो दोनों इक्वल आए हैं क्या? जब दोनों इक्वल नहीं है तो ये जो रे है पी एम ये इस एंगल का, इस एंगल का बाइसेक्टर नहीं होगा। तो लिखते हम यहाँ पे कि फ्रॉम 1 एंड 2 पी क्यू अपॉन पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, सो दे आर फॉर रे पी एम इज नॉट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। समझे? अभी थर्ड वन देख लेते हैं। तो यहां पे देखो मैं लिखूंगी पी क्यू, पी क्यू अपॉन पी आर। ठीक है, पी क्यू अपॉन पी आर, तो पी क्यू क्या है, पी क्यू है 9 और पी आर कितना है, 10। इसको आप लिखना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं यहां पर लिखूंगी, क्या लिखूंगी, पहले मैंने पी क्यू को लिया तो अभी मैं क्यू एम लूंगी, क्यू एम अपॉन एम आर। तो क्यू एम है आपका 3.6, एम आर कितना है, 4। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को हटाना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आएगा, 36 अपॉन 4। अब देखो यहाँ पे 4 9 सा होता है 36, 4 10 सा 40, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को क्या मिला, 9 अपॉन 10। इसको आप लिखना इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी 9 अपॉन 10 है, इसमें भी 9 अपॉन 10 है, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर लिख दो कि फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिला हमको, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। ठीक है,
सो देयर फॉर क्या लिखोगे आप लोग कि ये जो रे पी एम है, रे पी एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर. ये हमने किस थियरम से लिखा, तो कन्वर्स ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर थियरम. तो लिख देते हैं हम यहाँ पे बाई कन्वर्स ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर थियरम. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर वन था ये कंप्लीट हुआ. देखा आपने कितना आसान है, बस आप लोगों को वो चार प्रॉपर्टीज आनी चाहिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फिर आप इसके सभी क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो उन चार प्रॉपर्टीज को आप एकदम ध्यान से पढ़ना, याद करना. अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर टू. इसमें ये फिगर दिया गया है और देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें. देखो पी एम दिया है 15, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ दिया गया है 15. ओके, पी क्यू है 25, यानी कि ये पूरा है 25. ओके, फिर आगे क्या दिया गया है, पी आर इज 20, यानी कि ये पूरा कितना है, 20 है. एन आर है 8, देखिए यहाँ पे एन आर है 8. स्टेट वेदर द लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, गिव रीजन. देखो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि ये जो एन एम है ये आर क्यू के पैरेलल है, यानी कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, ऐसा आप लोगों को यहाँ पे प्रूव करना है. ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. तो देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन्स कब पैरेलल होंगी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल कब होगी, जब पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू क्या हो, पी एम अपॉन एम क्यू हो. राइट, ये हमने किस में देखा था, बीपीटी के कन्वर्स में. राइट, तो चलो अभी हम इसको करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास पी एन नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, पी एन निकालेंगे और इसमें क्या नहीं है, एम क्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एम क्यू निकालेंगे. अब वो हमको मिलेगा कैसे बताती हूँ मैं. देखो यहाँ पे आप लिखो कि पी एन प्लस, देखो पी एन प्लस एन आर इज इक्वल टू क्या होगा, पी आर होगा, है कि नहीं. देखो यहाँ पे अगर आपको पी आर बताना है तो पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, पी एन प्लस एन आर, दोनों को ऐड करके ही पी आर आएगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पी एन प्लस एन आर इज इक्वल टू पी आर. इसका रीजन आप लिख सकते हो कि ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, ये क्या है, कोलिनियर है, पी टू एन एन टू आर. ओके, पी एन हमारे पास है क्या, नहीं, यही हमको निकालना है. एन आर है, एन आर देखो 8, तो 8 लिख दिया इज इक्वल टू, पी आर कितना दिया गया है 20, तो ये हमने लिख दिया. अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखो पी एन इज इक्वल टू 8 को उधर ले लेंगे तो 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12. तो देखिए यहाँ पे पी एन कितना आया, पी एन इज इक्वल टू 12. राइट, यहाँ पर आप लिख दीजिए 12. अब उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे पी एन निकाला था वैसे ही हम एम क्यू भी निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू. लिखते हम यहाँ पे कि नाउ पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू. ठीक है, इसका रीजन आप लोग क्या लिखोगे, पी टू एम एम टू क्यू, समझ में आया. अब पी एम कितना है, तो 15 प्लस एम क्यू कितना है, ये हमको नहीं पता, यही तो निकालना है. पी क्यू कितना है 25. अब 15 को उधर ले लीजिए तो एम क्यू इज इक्वल टू 25 माइनस 15, मतलब क्या, यहाँ पर आ जाएगा 10. ठीक है, एम क्यू हमको कितना मिला, 10 मिला. देखिए यहाँ पर एम क्यू हमको मिल गया 10. अब हम लोग यहाँ पे रेशियो निकालेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू, पी एन कितना आया था, देखिए यहाँ पर 12, तो लिख दीजिए एन आर कितना है 8. क्या हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो देखिए 4 3 12 और 4 2 8, इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब हम लोग क्या लिखेंगे, पी एम अपॉन एम क्यू. ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ एंड पी एम अपॉन एम क्यू, तो पी एम कितना है, देखिए यहाँ पे 15 है,
तो क्या लिखेंगे, 15 अपॉन एम क्यू है 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 5 3 सा 15, 5 2 सा 10, इसको लिखो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें हमको क्या मिला, 3/2, और यहाँ पर भी 3/2, दोनों क्या है, इक्वल है। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि Pn अपॉन Nr इज इक्वल टू Pm अपॉन mq, है ना। तो लिख देंगे हम यहाँ पे कि फ्रॉम 1 and 2 पी, देखो यहाँ पे Pn अपॉन Nr इज इक्वल टू Pm अपॉन mq, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये दोनों इक्वल आ गए, और अगर ये दोनों इक्वल है, Pn अपॉन Nr इज इक्वल टू Pm अपॉन mq है, तो फिर ये जो यहाँ पे लाइन है Nm क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, साइड RQ के। तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे आंसर कि देयरफॉर क्या लिखेंगे कि लाइन Nm इज पैरेलल टू साइड आर क्यू, ठीक है। इसका रीजन आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख देना कि कौन सा यहाँ पे थ्योरम यूज हुआ, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिख देते हम लोग यहाँ पे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी यानी क्या, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो लिख देते हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि इन ट्रायंगल एमएनपी में NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो NQ है ना, ये क्या है, एंगल N का बाइसेक्टर है, यानी कि ये क्या कर रहा है, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ओके। इफ Mn इज इक्वल टू phi, देखो यहाँ पे Mn अगर phi है और Pn है 7, MQ है 2.5, तो आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, QP आप लोगों को बताना है कि QP क्या होगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हम लोग एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि इन ट्रायंगल MNP, ट्रायंगल MNP में ये जो आपका NQ है, क्या है ये, NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ, NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N, ठीक है। अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, NM, देखो यहाँ पर ध्यान से, NM अपॉन NP इज इक्वल टू क्या होगा, MQ अपॉन QP, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी NM अपॉन NP इज इक्वल टू क्या होगा, पहले मैंने क्या लिखा है, NM लिखा है ना, देखो NM लिखा है, तो अभी मैं यहाँ पे पहले क्या लिखूंगी, MQ लिखूंगी, MQ अपॉन QP। ये मैंने कैसे लिखा, इसका रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ, कौन सी प्रॉपर्टी थी, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हम लोग, देखो यहाँ पे मैं इसका रीजन नीचे लिख रही हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखना NM, NM कितना दिया है, ये देखो यहाँ पे NM बोला ना, NM यानी MN कितना है, 5, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5 अपॉन NP, हमको पता है क्या, देखो 7, तो यहाँ पर लिख देंगे 7, MQ कितना है 2.5, तो ये भी मैंने लिख दिया। उसके बाद QP हम लोगों को निकालना है, ये हमें नहीं पता है, अब क्या करेंगे, तो QP को इधर ले लेते हैं, 7 को उधर, तो यहाँ पे हो जाएगा QP इंटू 5 इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7, राइट। अब 5 को उधर ले लो, तो यहाँ पे QP इज इक्वल टू 2.5 इंटू 7 अपॉन 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पॉइंट है ना, तो इसको मैं हटाती हूँ, तो जब मैं इसको हटाऊंगी तो ये कैसे हटेगा, मुझे इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। और अगर मैंने ऊपर किया तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, 25 इंटू 7, यहाँ पे 50 मिलेगा, ओके।
अब देखो यहाँ पे 25 वन्स 25 टूज़ा, मतलब यहाँ पर क्या आया 7/2। अभी इसको कैंसिल करो, आपको यहाँ पे मिलेगा 3.5, यानी कि क्यू पी कितना आया 3.5। देखो ये हमको क्या मिला 3.5, लिख दीजिए यहाँ पर कि देयर फॉर क्यू पी इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, यही आपको निकालना था। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था फाइंड आउट करने, क्यू पी बोला गया था ना, जो हमने यहाँ पर फाइंड आउट। अभी यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये फिगर दिया गया है और इसमें एंगल पी दिया है, एंगल बी दिया है, दोनों 60 डिग्री के दिए गए हैं, यानी कि दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये आप लोगों को क्या करना है प्रूफ करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। गिवन क्या है पहले आप उसको लिखो, गिवन में क्या दिया गया है कि एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू क्या है ए क्यू अपॉन क्यू सी, राइट। ये आप लोगों को क्या करना है प्रूफ करना है। तो चलिए अभी इसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो ये गिवन है कि एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू, देखो दोनों 60 डिग्री के हैं, यानी कि दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, क्योंकि दोनों भी क्या है 60 डिग्री के हैं, ये गिवन था। यहाँ पर इसका रीजन लिख दीजिए गिवन। ठीक है, ये हमने अपने मन से नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में दिया गया था। अब अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो ये जो लाइन्स है ना, लाइन पी क्यू और लाइन बी सी, ये दोनों क्या होंगे पैरेलल होंगे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 9th और 8th स्टैंडर्ड में, इस तरह से अगर दो लाइन्स पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होता है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। और यहाँ पर अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है मतलब ये दोनों लाइन्स क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, लिखेंगे कि लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू साइड बी सी। ठीक है, इसका रीजन आप लोग क्या लिख सकते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है इसलिए ये दोनों लाइंस क्या हो गए पैरेलल हो गए। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद यहाँ पर आप लिखो कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। अभी देखो ट्राइंगल ए बी सी में यहाँ पर हमको क्या मिला है, इसको लिख देना आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्या लिखोगे, इक्वेशन नंबर 1। तो ट्रायंगल एबीसी में लाइन पी क्यू पैरेलल है, किसके पैरेलल है साइड बीसी के, ये हमने कहां से लिखा, फ्रॉम 1 से। यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम 1। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स अगर पी क्यू पैरेलल है बीसी के तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाय बीपीटी थ्योरम, यहां पर लिखो देयर फॉर बाय बीपीटी थ्योरम। ठीक है, बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम से क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। क्या लिखेंगे, ए क्यू अपॉन क्यू सी। देखो आप लोगों को यही प्रूफ करना था ना, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, जो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ। समझ में आया? तो देखा आपने कितना आसान था, जो आपने पहले पढ़ा है ना बस उसी का यूज करना है, बाकी आपको आंसर मिलते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, देखिए इस ट्रेपेजियम में ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ये पैरेलल है डी सी के, यानी कि ये तीनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, और यहाँ पे ए पी दिया गया है 15, ए पी कितना है 15 है, फिर पी डी कितना है 12 है, क्यू सी है 14, क्यू सी है 14। तो आप लोगों को फाइंड क्या करना है, बी क्यू, यानी कि ये बताना है। ठीक है, तो देखो मैंने आप लोगों को ये प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर तीन लाइंस क्या है पैरेलल है और इस तरह से दो ट्रांसवर्सल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका रेशियो होता है, यानी कि समझिए ए बी सी है, यहाँ पे डी ई एफ है, तो यहाँ पे क्या होगा ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी अपॉन ई एफ होगा, है ना, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये तीनों क्या है पैरेलल है। देखो अगर मैं इसको मिटा दूँ, ठीक है, अगर मैं इन सभी को मिटा देती हूँ तो ये जो फिगर है ना
ये आप लोगों को कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। देखो ये जो बाहर निकला है ना, मैंने इसको मिटा दिया, ये लो मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है। तो ये देखो ये वाला जो फिगर है आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कि नहीं, ट्रेपेजियम के जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो बस यहाँ पर हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर लिखो, और क्या दिया गया है कि साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड पी क्यू एंड दिस इज पैरेलल टू साइड डी सी, ठीक है। ये तीनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल लाइंस है। तो अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा कि सो देयर फॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, ओके यहाँ पर लिख देते हैं ट्रांसवर्सल्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इस प्रॉपर्टी से, ए पी अपॉन पी डी, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू अपॉन क्यू सी होगा, ठीक है। तो अभी ए पी कितना है, 15 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 15। पी डी कितना है, 12 है, तो 12 लिखेंगे। बी क्यू है हमारे पास, नहीं बी क्यू तो हमको निकालना है, क्यू सी है 14, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, तो एक काम करते हैं 14 को इधर ले लेते हैं, तो 15 इंटू 14 अपॉन 12 इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करूँ तो 2 7 सा 14, 2 6 सा 12, यहाँ पर आ गया 7 अपॉन 6। अभी 15 7 सा क्या हो जाएगा, तो 15 7 सा हो जाएगा 105, यहाँ पर 6 इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। अभी इसको 6 से आप डिवाइड करिए, तो चलो डिवाइड कर देते हैं, 6 1 6, यहाँ पे आ गया 4, फिर 5 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब कितने टाइम में जाएगा, तो 6 7 42 होता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 5 30, यानी कि बी क्यू का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 17.5। तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे कि देयर फॉर, देखिए यहीं पे मैं लिख देती हूँ, देयर फॉर बी क्यू इज इक्वल टू 17.5। तो बस यही है आपका फाइनल आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था फाइंड आउट करने के लिए, बी क्यू बोला था निकालने के लिए, तो यहाँ पर हमने बी क्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया, तो ये वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड दे आर ट्रांसवर्सल्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ, और आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक कंप्लीट कर लिया है, और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक।